15 से 24 दिसंबर तक की जो यात्रा होने वाली है उसको लेकर के क्या कहना है कि गुरुग्राम शहर में या हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितना मजबूत होगी, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, क्या क्रिया? ये जो बदलाव यात्रा है ये 10 दिन तक चलेगी और हमारे चारों जो लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, ये चारों अलग अलग विधानसभाओं से इस यात्रा को कर रहे हैं। 10 हर विधानसभा, मतलब कि जैसे गुप्ता जी को 25 विधानसभाएं कवर करनी है इन 10 दिनों में, इसी प्रकार डांडा जी और निर्मल जी और अशोक तंवर जी अपने अपने जगह से ये यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा जहां इकट्ठी होगी वहां अरविंद केजरीवाल जी की बड़ी एक जनसभा होगी। इस यात्रा का मेन मकसद हम लोगों का है कि लोगों को बताना कि अब बदलाव की जरूरत है। जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा दिल्ली की जनता ने परिवर्तन लाया है, वही परिवर्तन हरियाणा की जनता को जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। जितनी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे दिल्ली में काम हुआ है, वैसा ही अगर हम चाहते हैं कि हरियाणा में हो, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा विकल्प जनता के सामने निकल के आ रही है। और जो गारंटी शब्द है वो अरविंद केजरीवाल जी के नाम से समझ आता है कि उनकी जो गारंटियां हैं वो दिल्ली में पूरी उन्होंने करके दिखाई, पंजाब में वो करके दिखा रहे, अब हरियाणा में भी उन्हीं गारंटियों के साथ हम लोग इस बदलाव यात्रा में आएंगे। ये एक प्रकार का जश्न है, खुशी का माहौल है कि हम जनता के बीच में एक जश्न के साथ जा रहे हैं कि आपके पास एक बढ़िया विकल्प आ गया है। आपको उस विकल्प को चुनने के लिए जनता के बीच में हम बताएंगे कि रीजन क्या है। दिल्ली में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो काम हुआ है वही हरियाणा में हो सकता है, यदि अगर आप उस विकल्प को चुनते हैं तो। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से कितने अच्छे बच्चों ने अच्छे मार्क्स से IIT पास किया है, वहां से बच्चे निकल के गए हैं, तो ये सब चीजें एक सरकारी स्कूल में मिल सकती है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो ताकि एक उज्ज्वल भविष्य भारत का निर्माण कर सके। उसी की तर्ज पे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मैंने शिक्षा की व्यवस्था अपने वार्ड नंबर 9 में की हुई है। मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ट्यूशन पढ़ाया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी एक शिक्षित व्यक्ति अपने जिंदगी का दिन का आधा घंटा, एक घंटा देना चाहता है, वो मेरे से जरूर संपर्क करे। मेरा संपर्क नंबर है 9540953993। जब तक हमारी सरकार बनती है उससे पहले भी हम चाहते हैं कि शिक्षा का मॉडल हम लोगों के बीच में देते रहें, क्योंकि शिक्षा हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तभी लोग शिक्षित हो पाएंगे, सरकारी स्कूल व्यवस्थित हो पाएंगे। मुफ्त शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित होकर ही व्यक्ति अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। लेकिन एक चीज पूछना चाहेंगे कि अभी गुरुग्राम शहर स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता से जूझ रहा है, उसको लेकर के जैसे शिक्षा के लिए आपने तो कवायद शुरू कर दी, लेकिन धरातल पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। गुरुग्राम शहर दीपावली के और छठ पर्व में भी गंदा रहा, तो इसको लेकर के धरातल पर क्या कार्य किया आप लोगों ने? देखिए, सरकार का काम था कि सफाई व्यवस्था बनाए रखे, सफाई कर्मचारियों की मदद करे। सफाई कर्मचारियों को हर बार दिवाली पे जो तोहफे मिलने चाहिए उसके बदले में उनकी तनख्वाह रोकी जाती है। अभी हम लोग 2 घंटे पहले सफाई कर्मचारियों को समर्थन देके आए हैं। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम उन सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेशल कुछ कानून बनाएंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे, जिससे कि वो सफाई कर्मचारी जो पूरे देश को साफ करते हैं, यदि अगर वो ना हो तो कोविड के समय में जो दिक्कतें आई थी वो कौन दूर करता। तो उनको हम महत्व जरूर देंगे, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी हमारे देश का बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है, उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। और मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों को दरकिनार किया है, उस व्यवस्था को देखते हुए हमें समझ आ गया है कि देश के निम्न से निम्न वर्ग को ऊपर उठाने की जरूरत है, और जो उठे हुए हैं उन लोगों को उठाने की क्या जरूरत है। मोदी जी जिस प्रकार से, मैं बताना चाहूंगी कि अडानी अंबानी का नाम पे काम करते हैं, आपने देखा किस प्रकार से महुआ मित्र को किस प्रकार से संसद से निकाला गया, तो वो उनकी भी वजह यही थी कि वो अडानी के खिलाफ बोल रही थी। तो यहाँ पे हम बता दें कि भाजपा सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, ये सरकार किसके लिए काम करे ये सोचने की बहुत जरूरत है। और ये सरकार के, जब हम ये चीज चिंतन करेंगे कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, तो हमें समझ आ जाएगा। यही वजह है कि जनता को अब दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और दूसरा विकल्प हम लोग हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अडानी अंबानी का नाम लेकर के तो कांग्रेस भी बहुत अपने चुनाव में जोर भर रही थी, उसकी हुंकार लेकिन काम नहीं आई, तो क्या अडानी अंबानी का ये जो वाक्य है ये क्या आपको कुछ
फायदा देगा आम आदमी पार्टी को? नहीं, हमें किसी के वाक्य से फायदा नहीं लेना है। मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि हमें अडानी का जिक्र, मैं ये तो सिर्फ महुआ जी एक महिला थी और महिला एक जनता के बीच से निकल के आई महिला जिसको जनता ने चुन के भेजा था, और उसके साथ अगर मतलब यहाँ हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व को भी संसद में नहीं बोलने दिया जाता है। तो यहाँ इंडिया गठबंधन है जो अभी थोड़ा सा स्लो हो गया था वो अब गति पकड़ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे समझ आ गया जनता के बीच से चुनने के बाद भी आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते जब तक कि हम इकट्ठे नहीं होंगे। लोकतंत्र की यदि रक्षा करनी है तो इंडिया गठबंधन का सहारा भी लेना पड़ेगा, इकट्ठे होकर इस लोकतंत्र को जीवित भी रखना पड़ेगा। और हरियाणा का चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है, ये 5 राज्यों को हम छोड़ दें, हरियाणा की जनता बेहद त्राही त्राही कर रही है। किसानों पिछले 1.5 साल जो बैठे थे वो भूले नहीं है, हर हर मोदी घर घर मोदी ये नारा सबको याद होगा, परंतु बता दें कि किसानों के साथ जो इन्होंने किया वो किसान इतनी जल्दी भूल नहीं सकते, और उनके आज भी उनके जो जिस वादे पे उन्होंने उस धरने को उठाया था वो आज तक उनका पूरा नहीं किया गया है। तो हरियाणा के किसान सबसे अधिक है, उनकी यदि मदद ये सरकार नहीं कर सकती है तो जहां तक मुझे लगता है धरातल पे भाजपा सरकार हरियाणा के जो किसान है उनके लिए कुछ नहीं कर पाई है। ये एक मेन वजह होगा कि हम लोग लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि किसानों के जो लोहे की चीज है, लोहा ट्रैक्टर का जो टायर है वो, ये सब चीजें हमारी सरकार सस्ता करेंगी। ऐसा अभी हमारे सांसद जी से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो लोहा 35 रुपए किलो है वो किसानों के लिए 32 पे आएगा, जो टायर नॉर्मल महंगे होते हैं वो जो ट्रैक्टर के टायर है वो सस्ते किए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग अपने चुनाव में करेंगे ताकि किसानों की मदद हो पाए, किसान जो है मजबूर ना हो हत्या करने के लिए। और जो जीएसपी पे जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं उसके लिए भी हमारी सरकार बनती है तो हम बहुत अच्छी तरीके से किसानों की मदद करेंगे।